लागू है। लॉकडाउन के तहत प्रतापगढ़ शहर में भी पूर्णतः लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी के चलते जिला पुलिस अधीक्षक ने भी व्यापक तैयारियां की है, जिसके चलते यहां पर जगह जगह पुलिस चौकी तैनात है। वहीं अब प्रतापगढ़ शहर के मुख्य चौराहों नहीं गलियों को भी सील कर दिया गया है और सभी प्रमुख गलियों तक आने जाने वाले मार्ग को यात्रियों द्वारा बैरिकेड लगाकर और बंद कर दिया गया है। जिले भर में सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। शहर में जहां मुख्य सड़कों से लगती हर गली को बैरिकेड और बल्लियां लगाकर सील कर दिया गया है, वहीं ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित करवा रही है। अब केवल शहर और कस्बों ही नहीं गांव मोहल्ले की गलियों में भी पुलिस नजर आने वाली है। इसको लेकर SP चुनाराम जाट के निर्देशन में पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। बाकायदा इसका पिछले 3-4 दिनों से ट्रायल भी चल रहा था। प्रमुख चौराहे और बॉर्डर पर तो पुलिस 24 घंटे ड्यूटी देगी ही, साथ ही गलियों में भी गश्त को बढ़ाया जाएगा। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 10 मई से पहले जहां अकेले प्रतापगढ़ शहर में करीब 200 पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 300 कर दी गई है। यानी कि शहर से बाहर जाने वाले रास्तों, प्रमुख चौराहे और अब तक 5 पुलिस का जत्था जहां तैनात रहता था, वहां अब इनकी संख्या और बढ़ाई जा रही है। अब गलियों से निकल कर भी लोग नहीं जा पाएंगे। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने सख्ती तो बढ़ाई थी, लेकिन शहर में गली मोहल्लों को इस तरह बैरिकेड और बल्लियां लगाकर सील नहीं किया गया था। इसके कारण लोग मुख्य चौराहे से गुजरने के बजाय गलियों में होकर अपना काम चला रहे थे। यहां शाम को भी कुछ युवा बेवजह घूमते नजर आ रहे थे, जो कि अब नहीं दिखाई देंगे। पहले शहर में नीमच नाका, गांधी चौराहा, 0 माइल चौराहा, अम्बेडकर सर्किल, घड़ी चौराहा और बाजार में 4 जगह सहित कुल 11 नाके लगे हुए थे। अब नई आबादी कृषि मंडी रोड, सदर बाजार, गोपालगंज, सूरजपोल, मालवा कॉलोनी, मंदसौर रोड, हॉस्पिटल रोड, अरनोद रोड जैसे 12 नए नाके बनाए गए हैं। सोमवार से सभी छोटे नाकों पर 2+ और उससे थोड़े बड़े नाकों पर 3+ और प्रमुख चौराहे पर 5+1 का पुलिस जाप तैनात है, जो पुलिस पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं और पंचायत स्तर पर भी पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है।